हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। मौर्या डायनेस्टी के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारा ये आज पार्ट 2 है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मौर्या डायनेस्टी के दूसरे सम्राट बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड राजा भारत के जो हुए अशोक महान, उनके पिता थे। तो आज हम लोग बिंदुसार के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार ने 297 से 273 BC 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक राज किया। ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त एंड दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य की तीन शादियां हुई थी और उनकी जो पहली पत्नी थी दुर्धरा, उनके और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार। और मोस्ट फेमस रूलर जो रहे भारत के, अशोक महान, उनके पिता थे। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पिता थे। कुछ ग्रीक सोर्सेस, कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस उन्हें अमित्रोशेट्स कहते हैं। तो ग्रीक हिस्ट्री में बिंदुसार को अमित्रोशेट्स कहा जाता है। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है ग्रीक हिस्ट्री में, उसी प्रकार से बिंदुसार को अमित्रोशेट्स कहा जाता है। महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात इसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का नाश करने वाला। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में कुछ कहानियां लिखी हुई हैं कि किस तरह से बिंदुसार को उनका नाम मिला। तो कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ कहानियां हैं जिनके बारे में हमको आज जानना जरूरी होगा। हालांकि इन कहानियों के भी वर्जन्स हैं। तो इनका किस तरह से जन्म हुआ और क्यों इनका नाम बिंदुसार पड़ा, उसके बारे में जो दो वर्जन्स हैं, दोनों वर्जन्स में आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। पहला वर्जन ये है कि चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे जो चाणक्य, और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। ही यूज्ड टू मिक्स स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन इन द एम्परर्स फूड टू बिल्ड हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट पॉसिबल पॉइजनिंग अटेम्प्ट्स। तो वो क्या करते थे, चंद्रगुप्त को उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि कभी उनको यदि जहर दिया गया धोखे से तो उस जहर का असर चंद्रगुप्त मौर्य पर न पड़े। तो जहर से इम्यूनिटी बनाने के लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा जहर खाने में मिला के दिया जाता था। एक दिन चंद्रगुप्त अपने वाइफ के साथ, जो कि उस समय 7 दिन बाद ही उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तो उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना खाना शेयर कर लिया। वन डे चंद्रगुप्त, नॉट नोइंग अबाउट द पॉइजन, शेयर्ड हिज फूड विथ हिज प्रेग्नेंट वाइफ। तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना खाना शेयर कर लिया और उन्हें मालूम नहीं था कि खाने में जहर मिला हुआ है। अब ये वो समय था जब 7 दिन बाद ही डिलीवरी होने वाली थी। द क्वीन वॉज 7 days अवे फ्रॉम डिलीवरी एट दिस टाइम। तो 7 दिन बाद ही डिलीवरी होने वाली थी। अब उन्होंने जहर खा लिया। चाणक्य को यह पता चला। चाणक्य अराइव्ड जस्ट एज द क्वीन एट द पॉइजन फूड। रियलाइजिंग दैट शी वॉज गोइंग टू डाई, ही डिसाइडेड टू सेव द अनबॉर्न चाइल्ड। अब हुआ ये कि चाणक्य को जैसे ही पता चला कि महारानी ने जहर खा लिया है, तो तुरंत वहां पे पहुंचे। और वहां पे पहुंचने के बाद जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि महारानी दुर्धरा अब नहीं बचेंगी, नाउ शी इज गोइंग टू डाई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनके पेट में जो बच्चा है उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो मौर्य साम्राज्य का अगला वारिस था। तो उन्होंने जैसे ही रानी की मृत्यु हुई, जैसे ही महारानी दुर्धरा की मृत्यु हुई, उनका पेट काटकर, ही कट ओपन हर बेली टू टेक आउट द फीटस। तो उनका पेट काटकर फीटस को बाहर निकाल लिया, भ्रूण को बाहर निकाल लिया। और अगले 7 दिनों तक उन्होंने इस भ्रूण को 7 अलग अलग बकरियों के पेट में रखा। 7 अलग अलग बकरियों के पेट में, एक बकरी के पेट में एक दिन, फिर दूसरे के पेट में दूसरे दिन। तो इस तरह से उन्होंने इस भ्रूण को बचाया और यही बालक आगे चल के बिंदुसार बने।
तो क्या क्या उन्होंने ओवर द नेक्स्ट 7 days ही प्लेस द फीटस इन द बेली ऑफ 7 goats डे बाई डे. और क्या हुआ फिर उसके बाद 7 दिन के बाद चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार उनका जन्म हुआ. उनका नाम रखा गया बिंदुसार क्योंकि उनकी बॉडी में स्पॉट्स थे बकरी के खून के. आफ्टर 7 days चंद्रगुप्त सन वॉज बॉर्न. ही वॉज नेम्ड बिंदुसार बिकॉज हिज बॉडी वॉज स्पॉटेड विथ ड्रॉप्स ऑफ गोट्स ब्लड. तो खून के रक्त के बिंदु इनके शरीर पर थे इसलिए इनका नाम बिंदुसार रखा गया. तो ये इस कहानी का पहला वर्जन है. दूसरा वर्जन भी है. जैन टेक्स्ट परिशिष्ट पर्वण इस तरह का एक जैन टेक्स्ट है जो कि इसका एक दूसरा वर्जन लिखता. इस वर्जन के अनुसार दुर्धरा जो थे जब उन्होंने महारानी दुर्धरा ने जब जहर खा लिया तो चाणक्य उसी समय पर वहाँ पे पहुँचे और उनके सामने ही दुर्धरा जो थी वो कोलैप्स हो गई. अब बालक को बचाना चाहते थे चाणक्य क्योंकि मौर्य साम्राज्य का वारिस था ये बालक. तो उन्होंने डेड क्वीन जब महारानी मर गई उसके बाद उनका वूम्ब उनका जो बेली था उससे उसका ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला और इस समय तक एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन जहर का एक बूंद वो बालक तक पहुंच चुका था और उनके सर पर एक बूंद पहुंच चुका था पॉइजन का और उनके सर पर एक छोटा सा इसका दाग भी बना. तो इसलिए अब चूंकि एक बूंद सर पे लग गया था उनके पॉइजन के इस चीज को लेते हुए इनका नाम फिर बाद में बिंदुसार रखा गया. By this time, a drop, bindu, of poison had already reached the baby and touched its head. Therefore, Chanakya named him Bindusar, meaning the strength of the drop. तो बिंदुसार इनका नाम इस तरह से रखा गया. तो ये कहानी है इसके दो versions हैं. मैंने दोनों version आपके सामने रख दिए हैं. अलग अलग text में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बात सत्य है कि इन्हें एक मेडिकल एक ऑपरेशन वाले मेडिकल ऑपरेशन के तहत इनका जन्म हुआ था और जहर इनकी माँ महारानी दुर्धरा जो थी वो जहर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी. बिंदुसार के 3 बेटे थे सुषिमा अशोका और विगत शोक. सुषिमा अशोका और विगत शोक जिसमें से आगे चल के अशोक जो है वो भारत के सबसे महान राजाओं में से एक हुआ. बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को उज्जैन का गवर्नर वॉइस रॉय बनाया था. जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक उज्जैन में ही थे. बिंदुसार ने ग्रीक्स के साथ ट्रेड रिलेशंस भी थे पॉलिटिकल रिलेशंस भी थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे. तो ग्रीक्स के साथ बहुत ही अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बिंदुसार ने मेंटेन किए थे. बिंदुसार ने सबके साथ मैत्री बना के रखी थी जनता भी सुखी थी हर तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से शासन किया था. एंटियोकस फर्स्ट के एक एम्बेसडर थे डिबेकस वो बिंदुसार के कोर्ट में आए थे और काफी समय तक उन्होंने यहाँ पर रह के रिसर्च भी किया था और वो डिबेकस जो थे वो ग्रीक्स और बिंदुसार के बीच में एक उन्होंने ब्रिज का भी काम किया था और दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस बनाने का भी काम किया था. ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार का जो डेथ हुआ था वो 12 दिन की फास्टिंग के बाद हुआ था. करीब करीब इसी तरह का जो मृत्यु हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की भी हुई थी. चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बिलागोला जाकर वहाँ पे संथारा पद्धति से अपनी प्राण त्यागे थे. तो इसी तरह से लगभग बिंदुसार के भी मृत्यु हुई थी. ये बिंदुसार का आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य था बिंदुसार का. इतना बड़ा इन्होंने साउथ इंडिया और इधर अफगानिस्तान वगैरह ये सब भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था. बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 2 समुद्रों के बीच का सारा जमीन सारी भूमि इन्होंने जीत ली थी. तो इस तरफ और इस तरफ की समुद्र के बीच का ये जो पूरा एरिया है इन्होंने लगभग सारा एरिया जीत लिया था. तो बहुत बड़ा साम्राज्य बिंदुसार का था. जितना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था उसको इन्होंने विस्तार ही किया था उसको इन्होंने और बढ़ाया था. तो ये थी बिंदुसार की कहानी. अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे अशोक महान की कहानी.
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में, एक बार फिर से नमस्कार।